बन गया भाई साहब, कल से दीवाना बन गया। How you told her we're even about your guy? How you told her we're even about your guy? How you told her we're even about your guy? How you told her we're even about your guy? जो मैं अभी आपको वीडियो में आके दिखाऊंगा उसमें वे प्रोटीन प्लस मेरा जो भी। अभी कुछ टाइम से मैं लो कार्ब्स मील पे चल रहा हूँ क्योंकि कार्ब्स मैंने कम कर रखे हैं और बॉडी धीरे धीरे शेड होनी भी स्टार्ट हो गई है। लास्ट टाइम मेरा वेट 78 था, अभी मैंने वेट ले आया हूँ 75 point something एंड बॉडी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वेट गेन इतनी देर से ही कार से आना पड़ा आज, बट गड्ढे इतने ज़्यादा हो गए हैं आजकल रोडों में, हर जगह भट 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 ये। अगर आपको खुद से खुद का पर्सनल ट्रेनर बनना है तो आपको अपनी एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसमें अपना डेली का रूटीन, आपका वर्कआउट प्लान प्लस आप जो डाइट लेते हो वो नोट डाउन रहना चाहिए, कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह की कैलोरीज ले रहे हो, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी बॉडी में। क्योंकि आप वर्कआउट कितना भी ज़्यादा कर लो उसके बाद आप कुछ भी अनाप शनाप खाते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपका गट तो वहीं का वहीं है ना। भले आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो पर उससे दोगुना तीनगुना कैलोरीज आप खा रहे हो, किस टाइप की कैलोरीज खा रहे हो, शुगर इंटेक ऊपर जा रहे हैं। तो एक बैलेंस वर्कआउट प्लस बैलेंस डाइट आपको अच्छी बॉडी अचीव करने में मदद कर सकती हैं, बशर्ते आप डिसिप्लिन रहें अपनी डाइट से लेकर अपने वर्कआउट को लेकर, क्योंकि ये मात्र ऐसी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको लॉयल रहना पड़ेगा। यूज़ करता हूँ गट हेल्थ के लिए, प्रोबायोटिक्स मेन होता है हमारे गट के लिए। सो कार्ब्स मैंने वर्कआउट के बाद ही कंज्यूम करे थे, बाकी इन सब में जितना थोड़ा बहुत कार्ब्स होगा वो डन डन। 7 ग्राम प्रोटीन है, कहीं से मिल जाए पर चाहिए प्रोटीन। सो ये रहा मंथली स्टैक जेनेटिक कोड वे प्रोटीन, ये 1 kg का
पैक है, पर मंथली इस टैक में मेरे हर बार 2 kg आते हैं, बट इस बार 1 kg आया है। बीसी डबल है, बेस्ट रिकवरी सोर्सेज है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड थर्ड प्री वर्कआउट, बहुत अच्छा प्री वर्कआउट है, अच्छा पंप देता है और स्ट्रेंथ अच्छी देता है। फिश ऑयल ओमेगा 3 बहुत अच्छी, अर्ली मॉर्निंग में एक लेता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल रहती है बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके नेल्स के लिए, EPA DHA, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए अच्छा रहता है। और ये मल्टी विटामिन, ये भी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आप ले सकते हो। और जो मुझे इसका बेस्ट प्रोडक्ट लगा वो फिश ऑयल प्लस प्रोटीन, ये काफ़ी अच्छा है, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। और ये सारे जो जितने भी मैंने प्रोडक्ट रखे हैं ये बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, आप भी इन्हें इजिली बाय कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो आपको अगर बाय करना है, या फिर आप डायरेक्ट जैनिटी कोड की वेबसाइट में जाके कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। अगर आप देहरादून में रहते हो तो देहरादून में आप TNP न्यूट्रिशन से इसे बाय कर सकते हो। सो ऑल आर गुड प्रोडक्ट, सो यू कैन बाय एंड चेक इट आउट। ओके, सो मैं इसे 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट लगे हैं और काफ़ी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है बेसिकली, पहली चीज़ तो ये। और इसका जो फ्लेवर्ड है वो बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग फ्लेवर है, इसमें बर्थडे केक फ्लेवर आया है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, बट जो भी इसमें फ्लेवर लिखे रहते हैं, बट एज इट इज़ आपको बहुत अच्छा फील देगा ये टेस्ट में।